हमेशा there he is. Hello doctor. Hello, hello मयूरी जी. Hello. हाँ अब आइए बस. अभी आवाज. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर. यस डॉक्टर, तो आज हम महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं और वो भी व्हेन इट्स वोकी. सो सिर्फ हैप्पी वुमेन्स डे कहकर नहीं चलेगा. वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट वुमेन्स हेल्थ एंड वुमेन्स वेलनेस. सो यस, स्पेशली 40 के बाद जो महिलाओं को मुश्किलें होनी शुरू हो जाती हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो द टॉपिक टुडे इज वुमेन्स हेल्थ ओवर 40. सो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर 40 के बाद महिलाओं के लिए. देखिए ये बातचीत तो फिर बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, फास्ट टॉपिक हो जाएगा कि हाँ. 40 के बाद महिलाओं के लिए फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम होता है, राइट right. तो हाँ 40 के बाद होता क्या है कि बच्चे हो जाते हैं जवान और बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं, बच्चों का किससे चक्कर चल रहा है, बच्चे सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लड़की है लड़का है तो भी दिक्कत, लड़की है तो भी दिक्कत है कि बिल्कुल नहीं? हाँ बिल्कुल सर. तो स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर विच वाज नेवर देयर व्हेन यू वर आप जब टीनेजर थे, जब बच्चे थे तब आपके मेन प्रॉब्लम तब हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी थे, तब बच्चे हो रहे नहीं जो भी हो रहे. लेकिन अब 40 के बाद योर मेन प्रॉब्लम इज योर स्ट्रेस, राइट. एंड मेरे को तो ऐसा लगता है इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेस, इट्स अबाउट योर कि आपका कंसंट्रेशन आपके ऊपर से हट जाता है, लिटरली हट जाता है. सबसे बड़ी बात ही यही है, दे स्टॉप थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड एट द एंड ऑफ द डे हम बोलते हैं विमेन को तो अल्टीमेटली मेल हो फीमेल हो आपकी जिम्मेदारी खुद की है पहले, सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है कि आप अपने हेल्थ के तरफ, अपने माइंड के अपने तरफ कहीं ध्यान दें. सो व्हाट हैपेंस इज कि मेरे हिसाब से उनका जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स the betterment of their next generation rather than themselves. That is their own self. हाँ ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इश्यू है. इसीलिए जब हम अगर पॉपुलेशन को देखेंगे तो मोर देन 40 की एज में जितने भी एडल्ट्स दिखेंगे मेल और फीमेल दोनों के दोनों में फिटनेस हमें ज्यादा नहीं दिखेगी unless and until फिटनेस उनका करियर हो, राइट. फिटनेस उनका करियर हो तो फिटनेस हमें नहीं दिखेगी. तो फीमेल्स में ये सबसे बड़ा पॉइंट है, खुद को ना देखना, चिंता ज्यादा करनी, स्ट्रेस ज्यादा लेनी, स्ट्रेस के वजह से नींद नहीं आनी, रात को खाना अपना छोड़ के दूसरों को खिलाना, अपना खाना तो फिर उल्टा सीधा खाना, राइट. सो दोस आर द वेरी बिग स्ट्रेसेस व्हिच कम अराउंड एट दिस एज 40 के बाद. I think डॉक्टर इफ आई कैन ऐड टू दिस, एक और जो परेशानी या एक और जो स्ट्रेस और जुड़ने लगता है कि आपके पेरेंट्स भी उतने ही ज्यादा 60s के ऊपर हो जाते हैं. अगर आप 40s में आ जाते हैं तो पेरेंट्स की हेल्थ की भी चिंता बढ़ती होगी. हाँ ये बात बहुत बड़ी बोली आपने, क्योंकि ये मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों के जब पेरेंट्स की अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी हो की देखभाल करनी पड़ जाती है तो इट टेक्स अ ह्यूज टोल ऑन देयर हेल्थ. मतलब वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, नोबडी प्रिपेयर्स फॉर दैट, राइट. वी डू थिंग्स बट वी डोंट प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट. हो सकता है हमारे को पता ही था कि देखभाल करें कैसे. कई लोगों को ये नहीं पता होता, कई लोगों को नहीं पता होता कि बीमारी क्या है, ठीक कैसे करना है. सो मैंने कई लोगों को देखा है कि इवन आफ्टर, चलो अगर पेरेंट्स का, अभी हर एक का वक्त आता है, पेरेंट्स का वक्त आ जाता है, वो चले जाते हैं, उसके बाद भी वो ट्रॉमेटाइज्ड रहते हैं, उसके बाद भी वो उस स्ट्रेस से निकल नहीं पाते हैं. नॉट जस्ट स्ट्रेस बल्कि वो जो लाइफ थी स्ट्रेसफुल right. किसी के 2 साल, किसी के 5 साल, जो 10 साल आप उसमें गुजारते हो, दैट्स अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, ऑन योर लाइफ. where you stop आप सेल्फलेस तो हो जाते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं। सबसे बड़ी नेगेटिव बात हो जाती है कि आप खुद के बारे में बहुत ज्यादा इग्नोर कर चुके होते हो, बहुत आगे बढ़ चुके होते हो, इग्नोर होके और बीमारियां इकट्ठी कर चुके होते हो। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है हैप्पी वुमेन इज अ वुमेन who thinks about herself. That is the biggest thing which I would say. A woman who thinks about herself is and will always be happy. Right? That's so nice. I'm not saying that they should not think about others. That's right. I'm a strong believer कि हमें दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए. But that does not mean कि हमें खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए. बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरे जरूरी हैं, वो क्यों जरूरी हैं? क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे आपके बारे में भी उल्टा सोचेंगे। एवरीबडी वांट्स दिस कि लोग मेरे बारे में सोचे। हर माँ चाहती है कि बच्चे मेरे बारे में सोचें, हर पड़ोसी चाहता है कि वो बगल वाला मेरे बारे में सोचे, मतलब आई होप आपकी बगल वाले नहीं देख रहे हैं आपको। तो कहीं एंगल ही कहीं जुड़ गया। आपने विश किया कि नहीं लेकिन बगल वालों को हैप्पी वुमेन्स डे? कोई बात नहीं होती है, टाइम नहीं। मुझे तो नाम भी नहीं पता होता, कौन रहता है आसपास, ऊपर नीचे पता। तो वैसे आपके बारे में रोहन सैनी है यहाँ पर, डॉक्टर जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब सिंगल हैं मैडम जी, तो अच्छा। अभी शायद रोहन नए हैं तो अभी उन्होंने आपका परिवार नहीं देखा, अभी धीरे धीरे करके आएंगे क्लास के एंड तक। चलो मैं को सिंगल बना दिया। आपका मार्केट बहुत अच्छा है सर, आप चिंता न करें। अरे बाप रे। और रेक्स मैकलियन है यहाँ कह रहे हैं ही सुपर टैलेंटेड, डॉक्टर परम इज मोर लाइक अ कॉमेडियन। अरे बाप रे, आज तो बस बस बस। आज मैंने एक अच्छा मैसेज पढ़ा था, बहुत सारे आज तो मतलब सुबह से जो भरमार हुई है मैसेजेस की, बहुत ही सेंटी कर दिया लोगों ने आज। लेकिन एक मैसेज जो आप जिस लाइन पे बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी लाइन पे था कि हैप्पी वुमेन्स डे तभी हैप्पी वुमेन्स डे होगा व्हेन यू आर इंटरनली हैप्पी। एवरी वुमन इज इंटरनली हैप्पी एंड दैट इज आई गेस हेल्थ के साथ साथ वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। एंड जैसे आप हमेशा कहते हैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत ही आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। देखो मेंटल हेल्थ जब हम बोलते हैं ना तो फॉर मी मेंटल हेल्थ इज बेसिकली इक्वल टू इंटेलिजेंस। इट्स नॉट इट्स मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। इट्स नॉट लाइक कि कई लोगों बोलोगे आप अंदर से खुश होने चाहिए, तो बेटा मेरी अंदर की खुशी तो मेरे बच्चों से ही है, वो बच्चे खुश हैं तो ऐसा है, वैसा नहीं है ठीक है। तो क्योंकि क्या है, एक टाइम के बाद बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो कि नहीं हो। वो समय आ जाता है जो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उनके दिमाग में ही नहीं आता। इट्स नॉट लाइक कि वो खुद से जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं है, उनके माइंड में ही नहीं। हम भी बच्चे थे, हमको भी पता है कि एक टाइम ऐसा था जब हमें खुद ये नहीं याद रहता था घर में कोई है भी, बाहर पीछे कोई रुका हुआ है। घर जाके जब मार पड़ती थी या फिर जब माता जी रोती थी तब हमें लगता था यार हमने गलती कर दी, लेकिन करते हुए हमें ये एहसास ध्यान नहीं आता था। तो इसी को तो बोलते हैं कि मैच्योरिटी नहीं है, इसी को तो बोलते हैं। So the biggest hurdle in a female's 40 years of age में is the motherhood. इसको मैं hurdle इसलिए कह रहा हूँ कि उसको आप क्योंकि females उसको hurdle मान के चलती हैं, right? और ये सच है, ये सच्चाई है। So देखो, the problem is कि you get tasks, राइट मैंने कल भी इस बारे में बात करी थी स्ट्रेस के बारे में कि आपके लाइफ में यू गेट टास्क्स द टास्क माइट बी इम्पोर्टेंट एंड व्हाट की देन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बट it is not supposed to be replacement of that आपका replacement right. आप उसको replace करके right. उसमें satisfy हो जाते हो कि भाई मेरे बच्चे ने खाना खा लिया तो मैं सुखी हूँ मेरा बच्चा सो गया तो मैं सुखी हूँ है ना वो नहीं है सुखीपन वो सुखी नहीं है सुखी is that intelligence में आपको पोर्ट्रे कर पाओ शीशे में देख के कि मैं जो 5 साल 1 साल पहले थी वो अब मेरे हाल में क्या गड़बड़ी हो रही है राइट दैट इज इंटेलिजेंस राइट ये इंटेलिजेंस आपको अपने घर के मामले में दिखेगी कि भाई बच्चे के बिस्तर पे कंबल सही से लगा हुआ नहीं है आपको वो दिखेगा लेकिन शीशे में आपके पेट में आपके पैरों में सूजन है वो नहीं दिखेगी क्योंकि आप देखते नहीं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई एग्री आप देखते हो कि मेरे पैरों में सूजन आ रही है मेरी चप्पल सूज रही है वो नहीं बच्चे ने ये नहीं किया अनइम्पोर्टेंट चीजों पे ध्यान है फॉर मी दैट इज यूजलेस आप ठीक है आप करो दैट इज ठीक है आप सब कुछ एक जगह सेट रखो कोई मनाही नहीं है मगर फिर आपकी इंटेलिजेंस वहां भी दिखनी चाहिए जहां जरूरत है आपके जब आप शीशे में देखते हो तो आपको पता होना दिखा पर सफेद बाल आ गया सफेद बाल पे ध्यान मत दो पैरों की सूजन पे ध्यान दो ठीक है सो डॉक्टर फिटनेस से ज्यादा एज ग्रुप में परेशान दिखती हैं वो मोटापे को लेकर दिखती हैं सो वुड यू लाइक टू ऑल्सो थ्रो सम लाइट कि मोटापा इज नॉट इम्पोर्टेंट या मोटापा घटाना इज नॉट इम्पोर्टेंट फिट होना इज मोर इम्पोर्टेंट आप क्या कहेंगे या आपकी नजर में क्या आता है व्हेन यू सी पेशेंट्स ऑफ दिस एज ग्रुप मेरे हिसाब से यहाँ पर भी बात आती है नॉलेज हाँ. की बात एवरीबडी वांट्स आराम लेजर हमारा क्या हो वी हैव अ बिग ह्यूज ट्रांजिशन फ्रॉम लोगों का था पहले हाथ से काम करना था सो एवरीबडी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम नाउ एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम देयर माइंड वर्क ज्यादा है और लिटरली हमें खाना भी बनाना होता है खड़े होके थोड़ी देर में सो इट बिकम्स एन एफर्ट फॉर अस राइट तो हाँ जो कि एक छोटा सा पार्ट था जब आज भी अगर गांव में जाओगे तो उनको 10 किलोमीटर चल के पहले पानी लाना पड़ता है राइट एंड द पर्सन हु डज दैट इज नेवर फैट आई एग्री एंड जो दूसरे उसकी सास होती है जो बैठी होती है जा ये कर वो मोटी हो जाती है So the basic understanding of human body, human life should be there. जो नहीं है ये basic intelligence है इसको मैं health literacy बोलता हूँ For me every such person is an illiterate. Every person is health illiterate. आपको अगर ये नहीं पता it's basically just like मैं उनको ये समझाता हूँ आपके जेब में पैसे भरे हों तब भी जाके ATM से पैसे निकालोगे क्या नहीं राइट तो आपके पेट में शरीर में इतना फैट भरा हुआ है तो क्यों खाए जा रहे हो राइट इट इज वेरी सिंपल वाई आर यू ईटिंग सो मच व्हेन यू डोंट यूज इट नीड दैट राइट राइट मेरा दूसरा सवाल होता है फीमेल से भी और मेल से भी कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले आपकी जितनी फिजिकल एक्टिविटी थी आज उतनी है क्या नहीं सर अब तो होता ही नहीं है अब तो करते ही नहीं है लेकिन आज से 5 या 10 साल पहले आप कितनी रोटी खाते थे सेम और 10 साल बाद आप कितनी रोटी खाते हो सेम वाई सच है आप उसमें क्यों नहीं कम किया so, इतनी सी बात है द प्रॉब्लम इज कोई बोलता ही नहीं है Nobody speaks. The problem is this. Problem is illiteracy, and this illiteracy is जग जाहिर है बहुत दुनिया में फैली हुई है. Everybody is talking about exercise करो. Practically बता रहा हूँ नहीं करने वाले 90% लोग नहीं करने वाले राइट 90% लोग mentally stressed हैं 90% लोगों से हो ही पाता I have been even after telling them, even after explaining them, they don't do it. The only way is to switch their diet. The right. only way is कि उनको knowledge हो, balance हो. आज एक patient का मुझे एक phone आया उनकी diabetes control में नहीं थी हमने treatment दिया diabetes control में आ गई अब वो कभी कभी आधी रोटी भी ज्यादा खा लें या कुछ उल्टा खा लें तो शुगर उनकी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे कैसे, फिर मैं क्या जिंदगी में कभी अच्छे से खा नहीं पाऊंगी? मेरे कहने को ऐसा है, खाना है तो उसको इस्तेमाल भी करना है, सीधी सी बात। खाना है तो इस्तेमाल करना है। आप रोजाना आधा घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करिए, टहलिए मत। टहलने को मैं वर्कआउट नहीं बोलता, लोग यही करते हैं, टहल लेता हूँ। टहलना वर्कआउट नहीं है, मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे आधा घंटा तो उसके बाद आप एक रोटी भी खा सकते हैं, एक बार मिठाई भी खा सकते हो, आप सब कुछ खा सकते हो, बट डेली अगर आप वो डेली रूटीन में डाल लो तो आपको हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। इट्स अ सिंपल फैक्ट, राइट? तो मेरे लिए वो हेल्थ लिटरेसी में आता है और मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व इंक्लूडेड नहीं है। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। एजुकेशन सिस्टम बच्चों के बच्चों से इसको पढ़ाना चाहिए, इस कैलोरी बात को, इस चीजों को, ताकि वो अपने बुजुर्गों को समझाएं, एक उनको समझाएं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कम से कम 50% क्रोनिक इलनेसेस ऐसे खत्म हो जाएंगी अगर वो लोग 10% भी अपना वजन कम कर लें। इट्स अ ह्यूज थिंग। Yes. कल्पना सोनी है यहाँ पर, वो कह रही है डॉक्टर रिसेंटली माय फ्रेंड गिफ्टेड मी अ बिग बॉक्स ऑफ वे प्रोटीन। आई डू वर्कआउट ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। प्लीज सजेस्ट इफ टेकिंग वे प्रोटीन इज एडवाइजेबल। सी, वे प्रोटीन इज अ वेरी गुड प्रोटीन। इट्स जस्ट मिल्क से निकला हुआ प्रोटीन, ठीक है? सो वे प्रोटीन इज नॉट बैड, राइट? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, वे प्रोटीन में जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है, इट वेरीज, राइट? सो देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर इन द मार्केट, जैसे हम उसको, जैसे प्रोटीन एक्स हो गया या हॉर्लिक्स का प्रोटीन हो गया या दूसरे तीसरे प्रोटीन हो गए, तो दे हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन देम। आप उनके देखोगे तो 30-40% प्रोटीन होता है, 50% कार्ब्स होता है। आप शुगर ढूंढते हो, बट शुगर इज इक्वल टू कार्ब्स, वो इक्वल है। कई बार वो शुगर होता है 15%, 5%, कई बार 0% शुगर, मगर 60% कार्ब्स। तो फिर क्या फायदा होगा? बेवकूफ है कि नहीं? तो ये होता है, तो ये होता है। तो पीपल आर, वो उसको कहते हैं इसमें कुछ शुगर नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, लेकिन इसमें कार्ब्स है। क्या है, हमने कुछ और डाला। सो हमने शुगर नहीं डाली। सो पॉइंट इज कि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग एन एक्सटर्नल प्रोटीन सोर्स, इट शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अनलेस एंड अनटिल आपका वजन कम है। ओनली इफ यू आर, ना, कई लोग हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा है 26 साल की लड़की सिर्फ 26 किलो की, 26 किलो, 26 का वाट, अरे बाप रे, 26 साल की लड़की 26 किलो ना, ये क्या हो रहा है यार? कुछ खाओ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है 7 से 8 साल के बच्चे 20 किलो के आसपास हो जाते हैं। I know. So I was like, मेरे को टेक्स्ट कंसल्टेशन था, मैंने कहा मेरे को वीडियो चाहिए, मेरे को देखना है। हाँ। देखा यार, क्या ही गॉड। सो आई वाज लाइक बाप रे। सो देयर आर पीपल हु आर अंडरवेट, राइट, हु स्ट्रगल विद गेनिंग वेट। उनके लिए ये प्रोटीन चलेगा। सो देयर आर पीपल हु टॉक अबाउट कि इसमें थोड़ा माल्टोडेक्सट्रीन है, इसमें थोड़ा वो है, थोड़ा ये है। टेक्निकली तो बॉर्नविटा में भी वही है, बूस्ट में भी वही है। टेक्निकली तो हम उसको खा पी के ही बड़े हुए हैं। हमको पता भी नहीं था कि बूस्ट कुछ है कि नहीं, क्या है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय फुटबॉल, आगे बूस्ट पकड़ के। सो द पॉइंट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यू हैव टू लुक एट द बिगर गोल, है कि नहीं? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो आप चाहे बूस्ट लो, चाहे प्रोटीन एक्स लो, चाहे पार्ले जी के बिस्किट खाओ, चाहे ग्लूकोज खाओ, चाहे आइसक्रीम खाओ, आई डोंट केयर, कुछ खाओ, वजन बढ़ाओ। आज आपका वजन ज्यादा है, तब आपको ये सब नहीं खाना है। तब आपको आइसोलेट प्रोटीन चाहिए, ऐसा प्रोटीन सोर्स चाहिए जिसमें 90% के ऊपर प्रोटीन हो, 10% हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड द लेबल, एंड दैट इज व्हाट इज लिटरेसी, दैट इज व्हाट इज, राइट, हेल्थ लिटरेसी, फूड लिटरेसी, वो होना चाहिए, राइट। NNPC 2020 पूछ रहे हैं, बीटरूट पाउडर एज अ प्री वर्कआउट डेली, ये कैसा रहेगा? ये क्या बात हुई है? प्री वर्कआउट का मतलब होता है देयर शुड बी अ स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देयर। बेसिकली प्री वर्कआउट टेक्निकली होता है वर्कआउट से पहले लिए जानी चीज, उसके ऑब्जेक्टिव को देखना होता है। इफ यू आर टेकिंग इट फॉर अ मैराथन, मेरे को प्री वर्कआउट में मैराथन पे बहुत लंबा दौड़ना है, तो यू नीड एन एनर्जी सोर्स, तब आपको कुछ चीजें लेनी पड़ेगी, राइट? अगर आप कह रहे हो कि आपको अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आपको कैफीन चाहिए, राइट? कैफीनेटेड चीज चाहिए। सो बीट रूट एंड अदर थिंग्स, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, दे अगर ढूंढोगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, बट दे आर नॉट रियली प्री वर्कआउट्स, राइट? खून नहीं बढ़ाते, बीट रूट खून नहीं बढ़ाता। तो पुराने जमाने में लाल लाल खून, लाल लाल बीट रूट, लाल लाल क्या बोलते हैं उसको, अनार, तो इससे खून बढ़ता है। उसमें खून आयरन उतना हाई नहीं जितना लोग बोलते हैं। हाँ अच्छा, हाँ आयरन होता है पालक में, आयरन होता है नॉन वेज में, आयरन उतना है ही नहीं उसमें जितना लोग बोलते हैं आयरन आयरन, ऐसा नहीं है। लाल ओके। सो ये मेरे को ये मुझे भी नहीं पता था 5 साल 2 साल पहले। सो वी आर ऑल्सो लर्निंग, सो आई एम, एवरीबडी शुड कीप ऑन लर्निंग, दैट इज ऑल्सो वन बिग फैक्ट। भाई अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो फिर खत्म, फिर कोई मतलब नहीं, फिर यू आर नॉट लर्निंग, फिर यू आर फॉलिंग डाउन, राइट? दो तरीके हैं, ऊपर चढ़ रहे हो या नीचे आ रहे हो, ऐसी होता है। अभी राजपूत आपका सवाल मैं नहीं ले सकती हूँ, बहुत सारे यहाँ पर सवाल हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक विमेन्स हेल्थ के ऊपर है एंड वी जस्ट हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। सो डॉक्टर साहब, वंस अगेन अगर मैं 40 के ऊपर की महिलाओं के बारे में बात करूँ तो as we near 40, just as we hit 40, what are the health precautions that you would say कि लेने चाहिए महिलाओं को ताकि बाद में जो भरने वाली तकलीफें हैं वो कम हो जाएं? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा। हाँ, कैल्शियम इज देयर, कैल्शियम, बट पता है क्या हो रहा है आज के डेट में, मतलब देखो इग्नोरेंस के लेवल पे है, यू आर इग्नोरिंग the most important pillars of your body, haddi and mass peshi, muscles and your bones. So you need protein, a high good source of protein daily basis पे जरा। अब मतलब कितने सालों के बाद जब पूरी फिटनेस इंडस्ट्री चिल्ला अब जाके एक आधी बार हमने अक्षय कुमार के एक एड में सुना कि भाई जितने किलो के आप हो उतनी प्रोटीन आपको चाहिए, उतना प्रोटीन, उसका 10% प्रोटीन भी लोग नहीं खा रहे, उसका 10% भी प्रोटीन नहीं खा रहे, एंड दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम इयर्स। तो आफ्टर 40 दे स्टार्ट लूजिंग देयर मसल इन 10x, 10 गुना ज्यादा तेजी से आपकी मसल्स हर साल जाती है, आधे से 1 किलो। सो यू आर लूजिंग कीमती मसल एवरी ईयर। इफ यू आर नॉट यूजिंग देम, अगर आप उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे, तो 10 साल के बाद आपको पता चलेगा अब तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। यू प्राइमरी नीड इज अ डेली रेगुलर प्रोटीन सोर्स। अंडे खा लो, चिकन खा लो, सोया खा लो, दूध पी लो, राइट? आपको सोयाबीन चल जाएगा, आपको वेज हो तो दाल ले लो, जितनी मर्जी दाल खा लो, कोई बात नहीं है। स्प्राउट्स खा लो, आप प्रोटीन पाउडर ले लो, वे प्रोटीन ले लो, पी प्रोटीन ले लो, सोया प्रोटीन ले लो, हैम प्रोटीन ले लो, कोई भी ले लो, राइट? बट यू टेक सम प्रोटीन सोर्स ट्वाइस अ डे फ्रॉम टुडे। इवन आपकी मेरी उम्र में हमें चाहिए, right? Every day you need protein source and twice a day, and second thing is then calcium, vitamin D and one multivitamin. This is the basic. अगर आप कैल्शियम का सोर्स नहीं है, हरियाणा में रहते हो, दिन में 2 बार दूध पीते हो तो चलेगा, फिर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, बट दूध भी नहीं पीते यू नीड अ कैल्शियम टैबलेट, ठीक है? कैल्शियम लो, धूप में नहीं जाते हो, आई डोंट केयर, महीने में 1 गोली विटामिन डी खा लो, ठीक है? विटामिन डी की 1 गोली महीने में खाने में कुछ नहीं होता। 2 महीने या ज्यादा कमी लग रही है, टेस्ट करा चुके हो तो हफ्ते में 1 गोली जैसे डॉक्टर ने बोला, लेकिन सेफ साइड रहो, महीने में 1 गोली खा लो विटामिन डी की। सैशे आता 60,000 यूनिट वाला, वो खा लो। कैल्शियम की 1 गोली रोज खा लो, 1 मल्टीविटामिन खा लो। अगर आपको लगता है मेरे में बहुत है, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, हफ्ते में 2 बार खा लो। दिस इज द वे टू गो, राइट? दिस इज द एंड कीप लर्निंग अबाउट योर हेल्थ। That is the most important thing. Keep learning, right? Keep learning. इससे 10 चीजें आपको पता चलेगी जो आप गलती कर रहे हो. So find your correct them and your healthy life. Not talking about just life, right? Dependent life कोई life नहीं, right? Dependent life कोई life नहीं होती, वो दया होती, समझे? वो फर्ज होता है या दया होती है, और वो आपको भी अच्छा नहीं लगता कि दूसरा अपने काम वाम को मार के अपने हमारे लिए करो। कुछ लोग होते हैं जो सेवा करवाते हैं, बाकी जिसकी जिनका जमीर होता है वो सेवा नहीं करवाता, ठीक है। तो द पॉइंट इज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू हैव टू कीप लर्न। अगर आप सीखते रहोगे, ना सिर्फ खाना बनाने के बाद सीखते ही हो ना, आज इसने ये बनाया, आज इसने ये बनाया, आज इसने ये बनाया, कभी बनाते नहीं हो आप उसको, 90% बना के कभी देखते थे, लेकिन आज इसने ये बनाया, आज इसने ये बनाया, आज नहीं, फिर आज ने ये पहना, आज ने ये पहना, इसके जूते अच्छे, इसके कपड़े अच्छे, सब देखते हो, उसमें से 90% चीजें कभी लिए नहीं आपने, कभी लोगे भी नहीं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना। लर्न अबाउट seriously I agree। Rajesh Kumar कह रहे हैं very well explained doctor, seriously। So now doctor 40 के बाद, in fact हम लोग तो 35 के बाद ही कहते हैं how important is health checkup, annual health checkup for females also? Very important। See, if you are very fit, 2 साल में करा लो, बट कराओ, right? So after the age of 40, it's very much needed कि आप अपना एक health checkup कराओ, और खासकर जो भी आपकी family history में diseases हैं उसके मद्देनजर नजर, किसी को हार्ट डिजीज है तो हार्ट का भी चेकअप जरूर कराओ, किसी को ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में है किसी के, तो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, मैमोग्राफी होता है, राइट। कोई पेट का, यूट्रस का कैंसर था तो यूट्रस का स्कैनिंग कराइए, जरूरी है ये, राइट। आप साल में न, 2 साल में, चलो 5 साल में एक बार कराओ, पर कराओ, राइट, बट कराओ, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड सिर्फ दाल खाना हार्मफुल नहीं है, दाल खाने के लिए कंप्लीट फूड। अगर कोई इंसान पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ दाल भी खाएगा तो भी उसके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 90% तक पूरे हो जाएंगे। द पॉइंट ऑफ, सिर्फ एक अमाइनो एसिड है जो थोड़ा सा कम रहेगा दाल में, तो उसको थोड़ा सा राइस या थोड़ा सा एक रोटी चाहिए होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत दाल खाओ, थोड़ी बहुत रोटी खा लो, चलेगा। तो okay। अच्छा, अगर सिर्फ दाल खा रहे हैं डॉक्टर, तो प्रोटीन मान लीजिए कोई 50 किलो का है, सो 50 किलो के इंसान के लिए कितनी दाल जरूरी है फॉर द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर द डे? अभी समझो, चलो ठीक है। आप सब फीमेल्स हैं, अपने दिमाग में किचन में जाइए, और वजन वाला मशीन नहीं होगा आपके पास, पता है मुझे, मगर फिर भी करो, और दाल में से 100 ग्राम दाल निकाल लो। 100 ग्राम कच्ची, उस 100 ग्राम कच्ची दाल में अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम प्रोटीन है किसी दाल, ओके। एक सोयाबीन है जो 50 ग्राम 45 ग्राम प्रोटीन वाला है। सोयाबीन दाल आती है उसमें 35 से 40-45 ग्राम प्रोटीन है। तो राजमा, छोले भटोले, काले चने, कुछ भी ले लो, 15 या 20 ग्राम प्रोटीन है, उससे ज्यादा किसी में नहीं है, ठीक है। तो हाँ, वैसे चिकन में भी इतना ही होता है, 100 ग्राम चिकन में भी 21 ग्राम प्रोटीन होता है। फर्क सिर्फ इतना है, चिकन में कार्बोहाइड्रेट 0 है, ठीक है। चिकन में कार्बोहाइड्रेट 0 है, तो जब चिकन खाया तो सिर्फ प्रोटीन मिला और थोड़ा फैट मिला, लेकिन जब दाल खाई तो 20 ग्राम प्रोटीन मिला ज्यादा से ज्यादा, और साथ में उसके जो 70-80, उसमें 50 ग्राम कार्ब होते हैं, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में मिला। तो प्रॉब्लम इज इन दिस। और सेकंड प्रॉब्लम ये है, 100 ग्राम कच्ची दाल कैसे भी पका लो, सिर्फ उबाल लो, चाहे उसका नॉर्मल अपने घर में पकाते हो, देखोगे कुकर भर जाएगा उससे। 100 ग्राम दाल से कुकर भर जाएगा, और उस कुकर भरी दाल में से आपने 1 कटोरी खाई, और उस कटोरी में दाने कितने आए हैं, उसका वजन कितना होगा सोच के देखिए। मुश्किल से 5 ग्राम भी नहीं होगा, 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम। तो उस 20 ग्राम दाल में से आपको जो प्रोटीन मिला है, मुश्किल से 3-4-5 ग्राम मिला है। तो 100 ग्राम की 100 ग्राम दाल भी अगर आप खा लो तो भी 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और आपका वजन 60 तो होगा, बिल्कुल। तो वो 100 ग्राम कुकर भर के दाल आपको 3 बार खानी पड़ेगी दिन में, तब जाके आपका ये होगा। तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ दाल जितनी खानी खाओ। अच्छा, दाल जितनी खानी खाओ, उतनी खा ही नहीं पाओगे। मेरे से नहीं खाई जाती, 2 दाल नहीं खाई जाती, कहाँ से खा लोगे, है कि नहीं? राइट, सबके आई थिंक दाल राजमा सबके डिनर डिशेस आ रही है, पर पता चल रही है किसने क्या खाया है। तभी तो So Kalpana Soni पूछ रही है डॉक्टर कि how can we reach you? Can you please provide some contact? Have some more questions? Thank you. कॉन्टैक्ट देखिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, उसमें हमारा सब कुछ मिल जाएगा आपको। डॉक्टर एजुकेशन सर्च मान लीजिए, है ना? सो बेटर तो डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर सर्च मारेंगे तो आप हमारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। बाकी आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करते रहिए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर। ओके, आई थिंक वी कवर द टॉपिक मोटा मोटी। बेसिक याद रखिएगा। Happy Women's Day is only if you think about yourself at least after another, and you are intelligently keep you have to keep learning about your health. That is most important. Okay. Right. और आज का takeaway was कि आपके आस पड़ोस के लोगों को भी आप Happy Women's Day जरूर wish कीजिएगा। हाँ, वो जरूरी है। Okay, doctor. Okay. Bye bye. Good night. See you soon, doctor. See you next Monday. Bye bye. With Goki be the force. Namaste.